सोलर फैन कैप है, मतलब सोलर फैन कैप है ये पहले बैटरी पे चलता था मैंने जब देखा था, इसलिए मैंने इसको सोलर पैनल से रिप्लेस किया है। और जब ये मेन इंटेंशन इसका बनाने का है जो फार्मर्स के लिए, जो दिन भर काम करते धूप में और उनको थोड़ा कम धूप लगे, इसीलिए मैंने बनाया। ये सोलार पे चलता है, इसकी चार्जिंग वगैरह इसके लिए चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धूप में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। और मैं लोग कुछ समय फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने कुछ स्टॉल वगैरह बुकिंग भी नहीं की थी, लेकिन यहाँ आने के बाद डायरेक्टर सर से और कुछ ऑफिशियल से मैंने बात किया और मैंने बोला कि सर मैं ऐसा सा हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सो उन्होंने मुझे एक स्टॉल अलॉट किया है ऑन द स्पॉट और काफ़ी कोऑपरेशन रहा उनका। और कितने कैप्स बनाए आपने? मैंने अभी तक तो 500 कैप्स बनाए हैं जो कि घर में, अभी तक कोई फैक्ट्री मतलब कुछ वर्कशॉप वगैरह नहीं है, अभी घर में थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप कर रहे हैं। लोग कुछ में रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग जो फिशिंग करते हैं और जो रेगुलर वॉक्स पे घूमते हैं साइकिलिस्ट, वो सब अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कुछ बाय कर रहे हैं। मैंने 300 के लिए एक सेल कर रहा हूँ, 300-250 का एक दे रहा हूँ। 10 वैट का सोलार पैनल रहता है और 10 वैट डीसी मोटर रहता है इसमें। इसके साथ साथ मेरा और एक प्रोडक्ट है, बैग पैक है, उसके पीछे सोलार पैनल लगा हुआ रहता है और अंदर आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, जो धूप में घूमते वक्त तो अपने आप चार्जिंग होता है। ये टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाया मैंने। कितने फर्स्ट टाइम मुझे अराउंड 40 है क्या, 30-40 कितले खे खे फॉर्म्स एब्स्ट्रैक आसा, फ्लुइड आर्ट आसा आनी सगळे हँडमेड आसा। लोकोत्सवाक रिस्पॉन्स लोकांचा ह्या वर्सा म्हाका दिसता अशें कमी कसो दिसता, बट अशें ऑर्डर इज हे ते चड आसा तशें। कहाँ से है? सर जोधपुर राजस्थान से हैं। और कितने सालों से लोकोत्सव में आ रहे हैं? सर यहाँ पे स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जब से फर्स्ट हुआ था वेब से, और पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं। लास्ट 40 ईयर्स में ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, फादर हैं, और ऑल ओवर इंडिया लगाते हैं, तो वहाँ पर और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स में डिफरेंस क्या लगता है? डिफरेंस तो सर जैसे यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी हैं, फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। हाँ, और लोकोत्सव में रिस्पॉन्स लोगों का पिछले सालों के मुकाबले अब थोड़ा कम हो गया है सर। हाँ, इस साल कम हो गया। हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो डेली आ जाते हैं। इसमें क्या वैरायटीज क्या क्या है आपके? हाँ सर, जैसे लेदर में मैं दिखा था, जैसे हमारे ये देखो लेडीज़ में है, ये ओपन, इसी में क्लोज पैटर्न भी है, इसमें क्लोज पैटर्न भी है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी हैंड से किया हुआ है, सब कुछ हैंडमेड है। जैसे ये भी है सर, ये देखिए लेडीज़ के लिए, जैसे ये बैग्स भी है, फुटवेयर हैट भी है सर, सैंडल विद हील विदाउट। तो कौन सा मटेरियल है हमारे? ये सब कैमल लेदर है। हाँ, और ये जरी का वर्क किया हुआ है हैंड से सब। और सर देखिए हमारे पास बैग्स भी काफ़ी सारे कैमल लेदर के, जैसे ये देखिए सर हैट है, ये बैकपैक है। कहाँ से है? मैं राजस्थान से जी हाँ। और ये पेंटिंग मैंने ये स्कूल में सीखा है, कक्षा 8वीं क्लास पास हुए हैं, 96 में मैंने स्कूल छोड़ी, तब से मैंने ये पेंटिंग चालू कर दी है। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसे है? वो अच्छा व्यवहार अच्छा होता है मेरा, मैंने क्योंकि ये मैं पेंटिंग सिर्फ कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोग के बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी कमाई करें, कमाई के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ अपने को दें, कमाई हो या ना हो लोगों को, मेरे जहाँ तक हो सके मेरे को प्रेरणा देनी है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? जब से शुरू हुआ मैं तब से आ रहा हूँ। कहाँ से आई हैं? ओडिशा से, ओडिशा जगन्नाथपुरी। और कैसा रिस्पॉन्स है ऐसा मतलब लोगों का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं? मीडियम, ज़्यादा नहीं कम नहीं है। ये सब नारियल के छिलके से बना है? ये सब नारियल का छिलका से बना हुआ, मेरा मैट में बना हुआ, पूरा नेचुरल हैंडीक्राफ्ट है मेरा। बैग भी वो जूट का हाथ में बना हुआ, मेरा पूरा परिवार वही काम है। मेरी मम्मी मास्टर क्राफ्ट में है, जो ये बनाते हैं और दूसरों को बनाने सिखाते हैं, जो हमारा घर का भी ये वर्कशॉप भी है, जो इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, लड़कियां भी काम करते हैं, हम भी सीखते हैं, उनको भी सिखाते हैं। हमारा गवर्नमेंट का लेटर जहाँ से आता है, जैसे पूरा ऑल ऑफ इंडिया कहीं से, हाँ इंडिया,
यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा है, ज़्यादातर यहाँ पे लोग अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका बोलना चलना और कस्टमर का यहाँ पे बहुत परफेक्ट है, अच्छा लगता है। मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ और ये जो मेरा क्राफ्ट है ये मिथिला का लोक चित्रकला है। आधुनिक समय में इसे लोग मधुबनी पेंटिंग से विश्व में जानी जाती है और हमारे यहाँ मिथिला जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था वहाँ का ये शिल्प है और हर शुभ अवसर पर यह घर के दीवारों में आंगन में बनाया जाता था। अब इसे हम लोग पेपर पे, कपड़े पे, साड़ी पे, सूट पे, दुपट्टा पे, हर कुछ पे बनाते हैं यहाँ गोवा लोकोत्सव में। लगभग विगत 10 साल से हम आ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग अच्छा सराहते हैं और बिक्री भी हो जाता है बढ़िया। कितने दिन लगते हैं ये बनाने के लिए? ये एक छोटा सा कार्ड अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसको बनाने में लगता है कम से कम एक दिन और बड़ा से बड़ा बनाने में छः महीना साल भर, यानी 500 रुपया से लेके और 1.5 लाख तक का पेंटिंग है मेरे पास। गोवा की बजाय और किसी स्टेट के आप लगाते हैं? लगभग देश का जितना भी स्टेट हर मेजर का हैंडीक्राफ्ट है हर जगह लगाते हैं, विदेश तक जाते हैं, लेकिन गोवा और उदयपुर को थोड़ा हम लोग प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यहाँ के लोग कला प्रेमी हैं, अच्छा लगता है यहाँ, यहाँ के लोग अच्छे हैं। ये फातियो करता, रंगोली करता, ये व्हाइट मेटल चे आयटम म्हज्या हळदीकूंक खूब वता, ते अशे डेकोरेट बी करून अशे वाटयो बी दवरून आमी विकता, चडशे हळदीकूंक खूब वता आयटम। ओके, मागीर रांगोळी हांव ह्यो सगळे हातीन करता। हय हय, सगळे हे हळदीकूंकूचे हे करून हे डिजायनींग बी सगळे हांव करता, हे अशे सगळे येता हे अशे, आनी पर्ल्स बी सगळे मागीर हांव लायता ताका। प्रत्येकाचो पॅटर्न मागीर वेगळो वेगळो आसता, प्रत्येक डिजायन वेगळो वेगळो। कितले वर्स जाले हे? 6 वर्सां जाली करता, 6 वर्सां। हय हय, ही फाती बी ती सगळी हांवूच करता, प्रत्येक अशी वेगळ्यो वेगळ्यो। लोकोत्सवाक रिस्पॉन्स कसो आहे? ना, म्हाका बरो आसा, म्हाजो तरी बरो आसा। कहां से आए? मैं उत्तर प्रदेश से। कितने सालों से? मैं यहाँ 2006 से आ रहा हूँ। 2006 से आ रहा हूँ। आइटम्स क्या है? ये पेपर क्राफ्ट का मेरा, हैंडमेड पेपर का। हैंडमेड है? हाँ, सब हैंडमेड पेपर का। और रिस्पांस कैसा है लोगों का? रिस्पांस अच्छा है। और कहाँ कहाँ पर लगाते हैं? मैं ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। कैसा मतलब वहाँ पर रिस्पांस कैसा है, यहाँ पर रिस्पांस कैसा? नहीं, यहाँ भी अच्छा रिस्पांस है, बाकी और जगह भी मिलता है, जैसे मुंबई है, गुजरात है और यूपी लोकल में भी करते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोकोत्सव को आकर आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर स्टॉल लगाया? अच्छा लगता है स्टॉल लगाकर, सबसे अच्छा तो ये लगता है यहाँ पॉल्यूशन फ्री मिल जाता है, थोड़ा कुछ समय के लिए, 10 डेज के लिए पॉल्यूशन कम है यहाँ अदर स्टेट के मुकाबले। हम ची बैगान, जूट बैगान है। हाँ, ये सभी तुम्ही करता? तुम्ही करता? ओ, आमी करता। ये कितनी वर्ष आली तुम्ही लोकोत्सव आगेता? आमका जातली 10 वर्ष जातली। हाँ, रिस्पॉन्स कसा या वर्षा लोकांचा? बरा बरा, लोग येतात? बरे येतात। हाँ, एक्चुअली हैंडलूम सारीज जे आमचे इंडियन ट्रेडिशनल सारीज आसा न्हू तितून डील करता, आनी फेब्रिक्स। सो हांवें हांगासर आपली डिस्प्ले केल्ली आसा, सगल्यो आमच्यो देशाच्यो, आमच्या इंडियेच्यो सगल्यो हँडलूम ट्रेडिशनल सारीज। आणि रिस्पॉन्स कसो आला? रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड। किती वर्षांनी तुम्ही लायता? आम्ही, हांव फर्स्ट टाइम, बट आय हॅव अ गुड रिस्पॉन्स फॉर माय प्रोडक्ट एटलीस्ट। किती वर्ष झाली तुम्ही लोकोत्सव घेता? आमचे हे पहिलेच वर्ष असा। म्हणजे असा असं हळूहळू असा, तसं तितकं फास्ट ना असा, पण तसं। आणि खंयच्या खंयच्या प्रकारचे? म्हणजे चुडीदार सेट असा, साडी असा, गाऊन असा। राजस्थान से, ऑल ओवर हँड पेंटिंग आहे, सिल्क क्लोथ का, वुडन का, सब सब हैंडमेड। कलर का कौन कौन से यूज़ करते हैं? कलर तो वैसे नेचुरल कलर भी लेते हैं और जो मार्केट में आते हैं, फैब्रिक है, पोस्टर। और लोकोत्सव के लिए कितने साल आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और इससे पहले और कहाँ पर बनाए? इसके पहले तो बहुत सी जगह गए हैं। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स ठीक है, अच्छा है।
देवा एक दंता गणिता Yeah.
पहले से आ रहे हैं आप? सर, परंपराओं से चली आई कलाकारी है, मुझे दूसरी बार यहाँ का मौका मिला है आपके गोहा का लोकोत्सव में। कैसा लगा? नहीं सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे दो बार इस फेस्टिवल का मौका मिला है। भारत सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ, हमारे जो उदयपुर जी के सर हैं उनका भी बहुत मैं आभारी हूँ, यहाँ के जो अशोक जी बाबू जी हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, सोड़ा जी साहब का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपका मौका दिया और मुझे आप लोगों के बीच में आने का सेवा का मौका मिला। बड़े बड़े लोग यहाँ हैं लेकिन ये याद रहे जी याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का बाकी है खेल नसीबों का। एक्सक्यूज मिस्टर, माय नेम इज चार्ली चैंपियन सर, चार्ली चैंपियन।